नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियल और आप देख रहे हैं हमारी लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर है हमारी मैथमेटिक्स की क्लासरूम के साथ और कक्षा दसवीं के छात्रों का आज का हमारा ही सत्र है। तो यानी कि आप हमारे प्रोग्राम पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। और हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन, उसे आप तक पहुंचाएंगी, उन्हें समझाएंगी। तो आज की हमारी एक्सपर्ट है मिस सविता गर्ग। मैम इज टीचर एट गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालरपुर रोड कुरुक्षेत्र। नमस्कार सविता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्र में। नमस्कार मुक्ता जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जैसे कि मैंने भी बताया पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर आप हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं। किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज हो, किसी भी तरह के आपके प्रश्न हो आज के सत्र के लिए मैथमेटिक्स इस क्लासरूम के लिए, तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सत्र शुरू करते हैं, सीधे सविता मैम की तरफ रुख करते हैं। मैम, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम जानेंगे कि क्या हम एप्लीकेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो क्या क्या एप्लीकेशंस आज हम आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हैं मैम? जी बिल्कुल मुक्ता जी, तो जैसा कि टॉपिक के नेम से ही क्लियर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हमने पिछले सेशंस में जो सब सीखा वो हमने यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स डिस्कस की थी। स्टैंडर्ड एंगल्स मींस दीज एंगल्स वर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन सब एंगल्स के लिए वी हैव स्टडीड अबाउट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री एंड मेनी मोर। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सीधे सीधे स्टैंडर्ड एंगल्स पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आर रूटीन लाइफ, इन आर डेली लाइफ। जैसा कि डियर व्यूअर्स आप देखते हैं कहीं पर कोई पोल है, स्ट्रेट एक पोल खड़ा है ऑन द ग्राउंड लेवल, और उस पोल के किसी ना किसी तरफ एज पर द सन्स एलिवेशन जो भी एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेडो बनती है। आप देखते हैं कि कोई टाइम तो ऐसा होता है पूरे दिन का जब वो शेडो की लेंथ बहुत लंबी होती है। कौन सा टाइम होता है ये? इन द इवनिंग इफ वी सी, तो शेडो की जो लेंथ है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट इन द नून अप्रोक्सीमेटली इन दी समर डेज एट 1 PM और एट 12 noon जो शेडो की लेंथ है वो बहुत बहुत छोटी होती है। So, सीधे सीधे मान लीजिए इन द नून द शेडोज लेंथ इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय BC एंड इन द इवनिंग द शेडोज लेंथ शो हो रही है यहां पर ये बाय द लेंथ BD। तो हुआ क्या एट बोथ ऑफ द टाइम्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस है सन की पोजीशन का। इन द नून सन जो है उसकी पोजीशन हमारे पास इस तरह से रहती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कुछ अलग रहता है, बट इवनिंग में जैसे जैसे सन तिरछा होता जाता है वो जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीज होती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी बातें और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस टॉपिक, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो होता क्या है ये एंगल ऑफ एलिवेशन? देखिए सीधी से जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है दैट इज, सबसे पहले हमें पता हो दैट व्हाट डू वी मीन बाय आई लेवल। आई लेवल का मतलब क्या होता है? या हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल बन रहा है व्हाट दैट एंगल इज। तो अगर हम ऐसा स्ट्रेट बैठे हैं या स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रेट एकदम हमारे आई के एकदम स्ट्रेट ग्राउंड की बिल्कुल पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है दैट इज नोन एज द आई लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, और ये मैं कोई भी ऑब्जर्वर हूं, दिस इज माय आई लेवल, और इस आई लेवल से जब मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट ऊपर देखती हूँ, जैसे मैं जिस रूम में बैठी हूँ या आप जिस भी रूम में बैठे हैं, आप ऊपर फैन को ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप खुले में बैठे हैं, आप किसी पेड़ के पास हैं, आप उस ट्री की टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने आई लेवल से जस्ट ऊपर जब आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ जो एंगल फ्रेम होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। Alright, तो इसी को हमने एक बार define किया है that if an object is above the observer's eye
एंड द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन angle between the horizontal line which is passing through the observer's eye. Let me suppose that here is the observer's eye and this is the object. Jis object ko observer dekh raha hai, this is the eye level of the observer. Aur jahan par wo observer observe kar raha hai apni object ko, us object ke liye jo line hai wo ye ban rahi hai. तो इन दोनों चीज के बीच में जो एंगल है दैट मीन्स दिस एंगल थीटा इट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन इज क्लियर टू आवर व्यूअर्स. इसके इमीडिएट बाद हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन? बिल्कुल फर्स्ट के अपोजिट. लेट मी एज्यूम कि देयर इज अ बॉय प्लेइंग विद अ बॉल, वो आपकी फुटबॉल है, वो उस बॉल से छत पर खड़ा होकर खेल रहा है. और होता क्या है कि वो बच्चा खेलते खेलते जब खेल रहे हैं उसकी बॉल नीचे चली गई, गली में गिर गई, सड़क पर चली गई. नाउ ही वॉन्ट समवन टू कम और उसकी बॉल वहां से पिक करके दे, तो क्या करेगा वो बच्चा? द बॉल इज नाउ बिलो हिज आई लेवल, नीचे की तरफ वो ऑब्जर्व कर रहा है, नीचे देख रहा है. तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सिंपली मीन दैट इफ द ऑब्जर्व सॉरी our object is below the observer's eye, then that angle is known as the angle of depression. Jaisa ki hum yahan figure mein dekh sakte hain, this is the horizontal line, eye level. This is the line of sight jiske through hum apni object ko observe kar rahe hain. और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जितने भी डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट कैन बी 30 डिग्री, दैट कैन बी 40 डिग्री, दैट कैन बी 50 डिग्री और व्हाटसोएवर. तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट को, अपने क्वेश्चंस को, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत से प्रश्नों को सॉल्व करने में. तो यहाँ पर वापस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमारे टी रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अर्लियर. अभी हम बात करते हैं फिर से कि साइन थीटा. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि देयर इज अ ट्री जिसकी शेडो की ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल जो है वो फ्रेम हो रहा है, सो आई कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2. ऐसे ही अगर हमें किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री, सो वी नो दैट वैल्यू इज 1. हमें कहीं पर जरूरत पड़ती है कि हम कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यूज करना चाहते हैं. तो ये जो टेबल है डियर व्यूअर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, देखा था, समझा था इस टेबल को. आप वापस इस सेशन को रिकॉल कर सकते हैं, रिविजिट करें और ये टेबल किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड देयर. नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. सो दिस इज द पोल नेम्ड एज ए बी हियर. From a point on the ground, and this is given to you, we have to read the statement very carefully, accordingly हमें figure draw करनी है. तो हमें यहाँ पर given है from a point on the ground which is 25 meter away from the foot of the pole. So the distance between the foot of the pole, that means point B and point C, इन दोनों के बीच का जो distance है that is given to be 25 meter. And then it is saying the angle of elevation from this point to the top is found to be 60 degree. That means this angle is given to be 60 degree. Now, dear viewers, you have the angle of elevation. क्योंकि हम top of the pole को observe कर रहे हैं, that means this angle will be angle of elevation. And we just need to find the height of the pole. Height of the pole means this height AB. Let us assume this height to be h meter or x meter or y meter, we can assume any variable. See, अब simple सी बात हमें जो ध्यान रखनी है, that is PBP, HHB, SCT, जिसे हमने इस तरह से याद भी किया था, that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. Here S is for sin theta. और साइन थीटा की वैल्यू रहती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू रहती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, द हाइपोटेन्यूज हेयर इज एसी, एसी हमसे ना पूछा गया है ना ही एसी की लेंथ हमें दी गई है, हमें जो गिवन है दैट थिंग इज द बेस, दिस बेस हैज बीन गिवन टू अस दैट इट्स लेंथ इज 25 मीटर और हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल इन दिस क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ द पोल को हमने एज्यूम किया है टू बी एच, यानी हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिस फॉर्मूला में हमारा बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों चीजें यूज हो रही। सो इट इज सिंपल टू से दैट इन दिस ट्राइंगल टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ वी नो वी मस्ट लर्न दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री इज अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जिसे हमने एच एज्यूम किया है, बेस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, और आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी, दैट विल बी इक्वल टू 25√3 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बट वी विल ऑब्जर्व इफ इन दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ रूट थ्री विल बी गिवन टू अस, वी नीड टू यूज दैट वैल्यू एंड वी विल मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 25 टू गेट द फाइनल आंसर। दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। In some of the question, there is a quite possibility ki root 3 ki jo value hai, that is given up to 2 decimal places. In that case, we will put just and only 1.73. And in some of the questions, ho sakta hai ki aapko root 3 ki value given hi nahi hai. In that case, you can even give your answer here only that the height of the pole is 25√3 meter. So, this is the only way to solve the questions, just kya hoga, dheere dheere level of the questions jo hai, that will be increasing. So the next question here is, aap sab kite udate hain, patang udate hain, uski string jo hai, the length of the string is given to be 150 meter. To jab aap patang uda rahe hain, aap dhyan se observe kijiye, is time aapki string aisa straight jaakar tirchi nahi jaati. You are flying a kite, that means the string will be the hypotenuse of the triangle whatsoever will be framing here. So, I have been given that AB equals to 150 meter. After this, this string is making an angle of 60 degree with the horizontal. So, in this figure, we can see that PB, let us rewrite it. This is actually AP, the string 150 meter long, which is AP, and PB, that is the horizontal line along which the string is making an angle of 60 degree. Further, hame jo karna hai, that is what, find the height of the kite from the ground. Hame nikalna hai height of the kite from the ground level. So, kya hai? Sometimes hum sochte hai ki, ya is question mein bhi aapke mind mein aayega, there must be some height of the person as well. To hum height of the kite from the ground kaise nikal sakte hain? एक्चुअली क्या है, यू माइट हैव ऑल्सो डन द सेम कि जब आप पतंग उड़ा रहे हैं, आपको कुछ टाइम के लिए कहीं जाना है या किसी फ्रेंड से बात करनी है, तो आप उसे एक ईंट के साथ बांध कर और ऐसा नीचे ग्राउंड पर भी रख देते हैं स्ट्रिंग को, बट द काइट विल स्टिल बी फ्लाइंग अप टू नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो हमें जो निकालना है दैट इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी विच हैज बीन सपोज हियर टू बी एच मीटर। नाउ you have been the hypotenuse, you need the perpendicular, you do not have the base even, lekin base pucha nahi gaya, you will just focus that what is given to us and what is demanded. So the given thing is the hypotenuse and the demanded thing is the perpendicular. So you will just take care of that for what, for which t ratio the value is perpendicular divided by hypotenuse, and that is undoubtedly sine 60 degree. So you know that the value of sine 60 degree is root 3 divided by 2 is equal to perpendicular is not there with us. हमने जो भी उसे assume किया है, you will put that. अगर आप h या कुछ भी assume नहीं करते, you can even write here AB. And what is the hypotenuse? That is 150 meter. So as a result, we have h equals to 150 root 3 divided by 2, which is equals to 75√3, as 2 and 150 can be cancelled. So 75√3 meter is your final answer. So isi tarah se next questions ki taraf hum proceed karenge.
The basic thing which will be used here in this chapter is just and only is the standard values of the T ratios at these angles, that 2 at 30 degree, 45 degree and 60 degree especially. और उसमें भी अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इन तीन टी रेशियोज का ही यूज करते हैं, दैट मींस साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि बाकी तीनों टी रेशियोज जो हैं, दोज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज एंगल्स. ऑलराइट, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अ ट्री 12 मीटर हाई, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर. अभी जो ट्री है, हम इसकी हाइट को ऐसा थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं. लेट अस अज्यूम कि जो ट्री है दैट इज अप टू दिस पॉइंट, दिस इज योर ट्री. किस पॉइंट तक है, हम इस पॉइंट को कोई भी नेम देते हैं, लेट दिस बी आर पॉइंट, पॉइंट डी. अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन, इट हैज बीन ब्रोकन. ये जो सी डी पोर्शन है ये यहां से टूट गया, ट्री ऐसे टूटकर और इस तरह से वो गिर गए. ऑल राइट, और जैसे ही ये ट्री हमारा गिर जाता है तो हुआ क्या कि जो टॉप मोस्ट ऑफ द ट्री थी, टॉप मोस्ट जो है वो नीचे ग्राउंड पर टच होती है और ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है उस टॉप पॉइंट का, दैट एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन. नाउ लेट अस सी दिस पार्ट केयरफुली, हमें कैलकुलेट क्या करना है. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम The tree is broken and it is written from the bottom. यानी हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट पर आपका ट्री जो है वो टूट गया. That means you need to find the value of AC. अब देखिए, पूरे ट्री की जो हाइट थी वो तो आपको 12 गिवन थी. उस पूरे ट्री की हाइट में से यू हैव बीन assume, you are assuming here कि जिस हाइट से हमारा ट्री टूट गया that is to be x meter. अब x meter जो है ये right angle triangle हमारे पास frame हो रही है, x meter इसकी height है and what is its hypotenuse? Its hypotenuse is undoubtedly 12 minus x. Why so? Why it is 12 minus x? क्योंकि ये जो portion C D है, this is the remaining part. जो नीचे बच गया है उसके ऊपर जो टूटा हुआ पार्ट था दैट इज 12 माइनस एक्स, क्योंकि पूरे ट्री की हाइट थी 12, रिमेनिंग पार्ट इज एक्स, सो दिस पार्ट विल बी 12 माइनस एक्स. सो अगेन जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस एंगल इज गिवन टू अस टू बी 60 डिग्री. सो सिंपली आपको क्या करना है, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. दिस टाइम The equation is somehow lengthier to solve, but the question is of the same type. We will go for cross multiplication here. We are getting 12 root 3 minus root 3x equals to 2x. हमें पता है कि अगर हमें x की value calculate करनी है, find करनी है, so after this we will solve this equation as 2x plus root 3x equals to 12 root 3. Undoubtedly x can be taken common and we have x is equal to 12 root 3 divided by 2 plus root 3. This is the value of x, which is what has been asked to us, that tree is broken by which height. Okay, till now we were discussing the questions jinme sabhi questions mein angle of elevation and angle of elevation frame ho raha tha. This is a question in which angle of depression is there and what the question is, from the top of a hill. Abhi jo viewer hai, jo observer hai, wo kahan par khada hai? He is at the top of the hill. The angles of depression of two consecutive kilometers stones. Okay, this is an important point to understood. Let us understand it. 2 kilometer stones. Kilometer stones means थोड़ा थोड़ा distance पे जो stones लगे रहते हैं कि अभी आपको जिस भी जो भी आपका destination point है वहां तक पहुंचने के लिए आपके 15 किलोमीटर का distance आपको और calculate cover करना है. आपको अभी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है. सो वी हैव बीन गिवन कि ये दोनों जो स्टोन्स हैं, दीज आर कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब अगर एक स्टोन एट पॉइंट बी है
दूसरा स्टोन एफ पॉइंट क्यू है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर। और आप जब टॉप मोस्ट ऑफ द हिल से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज स्टोन्स आर गिवन टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और हमें जो कैलकुलेट करना है, फिर से हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द हिल। सो डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला जो टास्क है एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर हम लेकर चलते हैं, इन दैट केस वी कैन सी कि कोई भी ट्रायंगल इधर ओपन में फ्रेम नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन टुडे, सो ऑब्जर्व इट केयरफुली। दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री, because of this the angle at point Q that will also be 30 degree. Why so? Because we know that alternative interior angles are always equal. Similarly, if this complete angle is given to be 45 degree and these are again alternative interior angles, so angle at point P that will also be 45 degree. This is the only thing which we need to cover here. Further, the question can be solved easier. हमें हाइट निकालनी है, हाइट को h एज्यूम कर लिया, इस डिस्टेंस हैज बीन सपोज्ड टू बी x, नाउ वी कैन से दैट BP इज इक्वल टू x, BQ इक्वल्स टू x प्लस 1, AB इक्वल्स टू h, नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABQ। बाय सॉल्विंग द सेम थिंग इन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आप अप्लाई करेंगे टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x एंड टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 1, एंड ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल बी एबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आवर व्यूअर्स हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी केयरफुली। डेफिनेटली सविता मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया विद एग्जांपल्स, आपने उनको सॉल्व करवाए इतने सारे क्वेश्चन, सो डेफिनेटली आई थिंक दैट मेड स्टूडेंट्स वेरी क्लियर अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। इसका यानी कि हम पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे अपने चैनल पर, आप जुड़े रहिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल पीएम विद चैनल पे। उससे पहले सविता मैम, एक बार आपका फिर से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने आज का जो सेशन था, आज का टॉपिक हमारे स्टूडेंट्स तक डिलीवर करा, थैंक यू सो मच मैम। जी मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चला इस सत्र को यहीं पर समाप्त करने का, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ जो कि है उर्दू का, तो जुड़े रहिए पीएम विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।